इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच में जो होने वाला है तीसरा और आखिरी T20, उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। और आपको एक चीज़ और मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो मैचेज होते हैं जिसमें एक सामने वाले वीक टीम होती है, एक स्ट्रॉन्ग टीम होती है, उसमें स्मॉल लीग तो जितना आसान होता ही है, साथ ही साथ आपको ग्रैंड लीग भी इसमें टारगेट करना चाहिए। इसमें ग्रैंड लीग विन करना भी आसान होता है। मैं उसके बारे में भी आपको टिप्स दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। ये हमारे लास्ट मैच की टीम थी जिससे ही काफ़ी अच्छा हमारे मेंबर्स ने विन किया। ये हमारे डिफरेंशियल पिक थे। वाइस कैप्टन किसी ने भी नहीं बनाया था आदिल रशीद को, ज़्यादातर लोगों ने जैसन रॉय को बनाया था, या तो कुछ लोगों ने यहाँ पे क्रिस जॉर्डन को बनाया था। और यहाँ पे देख सकते हो इसरो उदाना हमारी टीम में थे, हसरंगा हमारी टीम में थे, और लगभग जो कॉम्बिनेशन था सारे वो प्लेयर थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। इस मैच की अगर मैं विनिंग की बात करूँ तो आप हमारे मेंबर्स की विनिंग देख सकते हो यहाँ पे लाइन से, सभी ने यहाँ पे विन किया। बीच में ये लूडो वगैरह के भी स्क्रीनशॉट्स हैं। ये सभी विनिंग जो आप देखोगे ये आपको इंग्लैंड वाले मैच के आपको देखने को मिल रहा है, जो कि सेकंड T20 मुकाबला हुआ था। यहाँ पे आप टीम भी देखोगे, सेम वही टीम आपको दिखाई देगी। यहाँ पे देख सकते हो सभी मेंबर्स ने यहाँ पे क्लीन स्वीप किया, इन्होंने 20,000 लगा करके 61,000 विन किया। इसी तरीके से सभी मेंबर जो है अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं और विन करते हैं। हम लोग कभी भी उनको जुए की तरह खेलने की सलाह नहीं देते हैं कि आप एक मैच में 5 लाख 10 लाख इन्वेस्टमेंट करो, 20 लाख इन्वेस्टमेंट करो। इतना हम लोग भी कर सकते हैं और हमारे मेंबर्स भी कर सकते हैं, बट फैंटेसी गेम को गेम की तरह ही खेलने की हमेशा सलाह दी जाती है, बिकॉज इसकी लत हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को लगे। यहाँ पे देख सकते हो सभी मेंबर्स ने यहाँ पे किस तरीके से विन किया है। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे वेन्यू चेंज हुआ है। कार्डिफ में दोनों T20 मुकाबले हुए थे, ये वाला होने वाला है साउथहैम्पटन में रोज बॉल में। मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो पिच है वहाँ पे टोटल 8 मैच खेले गए। अगर मैं T20 की बात करूँ, 4 पहले बैटिंग करने वाले ने और 4 सेकंड बैटिंग करने वाले ने, और एवरेज स्कोर की बात करूँ तो 166 से 170 के बीच में बनता है, यानी एक अच्छा बैटिंग ट्रैक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पेसर्स को भी मदद करती है, मैं एक न्यूट्रल पिच मान सकता हूँ। यहाँ पर स्पिनर्स को भी विकेट ले लेते हैं, लेकिन हमेशा फास्ट बॉलर ही ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं बात करूँगा श्रीलंका की। श्रीलंका ने लास्ट मैच में 2 चेंजेस किए थे, एक डिकवेला को खिलाया था, एक फर्नांडो को खिलाया था। फर्नांडो ने तो 1 विकेट लिया था, जहाँ तक डिकवेला की बात करूँ तो वो 3 रन पे आउट हो गए थे। अब यहाँ पे देखो, कुछ प्लेयर श्रीलंका की तरफ से जो कि डिफ़ॉल्ट पिक है आपको लेने ही लेने हैं, तो मैं वो प्लेयर यहाँ पर ले लेता हूँ, जो कि 3 प्लेयर ये तो आपको लेके चल रहे हैं। यहाँ पर जहाँ तक गुनाथिल्का की बात करूँ, पहले मैच में 19 बनाए, दूसरे में 3 रन पे आउट हो गए थे। लेकिन गुनाथिल्का एक ऐसे प्लेयर है जो कि काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग करते हैं। जैसे अगर मैं कुछ प्लेयर का नाम लूँ पूरे वर्ल्ड क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि विराट कोहली हो गए, जॉय रूट हो गए, बाबर आजम हो गए, इसके अलावा अभी रिसेंटली मोहम्मद रिजवान काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, KL राहुल हो गए, तो उसमें अगर उस कैटेगरी में अगर मैं किसी प्लेयर को रखूं तो गुनाथिल्का का भी नाम उसमें आता है। आपने अगर श्रीलंका T20 मिस किया है तो आप जा करके स्कोर कार्ड उठा के देखना, ये हाईएस्ट रन स्कोरर में इनका नाम था और हर मैच में इन्होंने परफॉर्मेंस किया था। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करूँ तो मिलता जुलता इनका परफॉर्मेंस है। इनकी बात करूँ तो ये स्पिन भी करा लेते हैं, मतलब बॉलिंग भी करा लेते हैं, और आपको एक अच्छा पॉइंट निकाल करके दे सकते हैं। इसके अलावा कौन से प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे श्रीलंका की तरफ से, वो मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आपको लेना ही है तो यहाँ पे चमीरा आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोनों मैच में 1-1 विकेट लिया है, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, तो आप इनको जरूर ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज फिर आप यहाँ से कुशाल परेरा के साथ जा सकते हो। मैं केवल 4 प्लेयर लेने की आपको सलाह दूंगा, जिसमें से ही कुशाल परेरा है, या तो चमीरा, या तो फिर आप यहां से ले सकते हो संका को, जिन्होंने पहले मैच में 50 रन की इनिंग खेली। तो ये 4 प्लेयर ही आपको लेकर के चल रहे हैं, 3 तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मैंने आपको 3 का ऑप्शन दिया है, या तो दसम संका, या तो आपको लेना है कुशाल परेरा को, या तो आपको लेना है यहाँ पर किसको, चमीरा को। इसके अलावा लास्ट मैच में अगर मैं बात करूं, हमने अपनी टीम में कुशाल मेंडिस को लिया था, नंबर 4 पे बैटिंग करने आए थे, 39 रन बनाए था, पहले मैच में 9 रन बनाया था, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। वहाँ अगर मैं बात करूं यहाँ पे अब इसका फर्नांडो को, जैसे कि वीरेंद्र सहवाग हैं, वो क्या है कि काफ़ी हार्ड हिटिंग करते थे स्टार्टिंग में, अगर काफ़ी अच्छा स्कोर बनाते थे, और पावर प्ले में उनका बोलबाला रहता था, उसके बाद भी रहता था, तो विराट कोहली जैसे हैं वैसे प्लेयर की बात करूँ तो आपको श्रीलंका में ऐसे प्लेयर आपको दिखाई नहीं देंगे। हाँ, एक समय था श्रीलंका का जिसमें कि महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा, सनत जयसूर्या, ये सभी जो प्लेयर थे, और इसके अलावा तिलक रत्ने दिलसान हुए, तो इन लोगों ने काफ़ी ऊंचाई तक वो लेकर के गए थे। लेकिन वही बात है ना कि उन्होंने अपने बेंच स्ट्रेंथ पे उतना ध्यान नहीं दिया। जब इन्होंने संन्यास लिया तो एक साथ महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा, सनत जयसूर्या, इन लोगों ने संन्यास ले लिया, तिलक रत्ने दिलसान उसके बाद भी उन्होंने कुछ समय तक खेला, लेकिन बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग नहीं हुई। सेम प्रॉब्लम इंडिया के साथ थी। इंडिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले ये थी, अगर मैं बात करूँ 2006 के पहले मैं कह सकता हूँ, उस समय ये था जब
सौरभ गांगुली कैप्टन नहीं हुआ करते थे, उस समय कैप्टन डिसीजन नहीं लेते थे, लेकिन जब सौरभ गांगुली को कैप्टन बनाया गया उसके बाद से इंडियन टीम का पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि चेंज हो गई इंडियन टीम, और कैप्टन खुद डिसीजन लेने लगा। जितना एग्रेशन के साथ वो काम करते थे सौरभ गांगुली, उसके बाद ही आपको ये भी याद होगा कि अगर MS धोनी जो इस ऊंचाई पे पहुँचे अपने टैलेंट अपनी मेहनत के बल पे पहुँचे हैं वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन उनको नंबर 3 पे बैटिंग करने किसने भेजा? सौरभ गांगुली ने भेजा था, जिसमें उन्होंने सेंचुरी लगाई थी वीरेंद्र सहवाग के साथ मिल करके। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक मौका देना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आप एक बहुत बड़े स्टार बन जाते हो, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो फिर आपको टैलेंट होते हुए भी वो टैलेंट किसी काम का नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपॉर्चुनिटी मिलना। अब यहाँ पे देखो, तो जब भी बात आती है विराट कोहली की, जब भी बात आती है KL राहुल की, जब भी बात आती है बाबर आजम की, जब भी बात आजकल आ रही है मोहम्मद रिजवान की, तो इन लोगों की बात जब भी आती है तो एक कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर सामने आता है हमारे। तो वैसे प्लेयर की अगर मैं बात करूँ, श्रीलंका में अभी वैसे प्लेयर नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्लेइंग 11 में एक और प्लेयर होना चाहिए था, जिसको कि आपने अभी कुछ दिन पहले देखा पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हुए, थिसारा परेरा। तो ये सभी T20 स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन देखो कंसिस्टेंसी वाली बात जब तक नहीं रहेगी तब तक आपको टीम में कोई भी सेलेक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था विस्का फर्नांडो की, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो, हिट एंड मिस वाले प्लेयर हैं, बड़ी इनिंग कभी भी खेल सकते हैं और जल्दी आउट भी हो जाते हैं। दोनों मैच में जल्दी आउट हो गए थे। तो दोनों मैच में अगर बात करो तो पहले मैच में 0 पे आउट हो गए थे, दूसरे में 6 रन पे आउट हो गए थे। अब यहाँ पे देखो कुसाल परेरा की बात करो, टीम के कैप्टन है, विकेट कीपिंग करेंगे कि नहीं करेंगे ये डिपेंड करता है डिकवेला पे। अगर डिकवेला खेलते हैं तो ये भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं, ये भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकता है। अब यहाँ पे देखो कुसाल परेरा ने दोनों ही मैच में अच्छी बैटिंग की, पहले मैच में 30 रन बनाए, दूसरे में 21 बनाए, बड़े इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन इतना कंट्रीब्यूशन भी आपको जिताने के लिए पर्याप्त होता है, एक सफिशियंट होता है। तो आप इनको ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में। तो आई थिंक कुसाल परेरा ज़्यादा बेटर चॉइस होंगे। अगर मैं चमीरा से कंपेयर करूँ, दसुन संका से कंपेयर करूँ, भले ही हाफ सेंचुरी लगाई थी पहले T20 में दसुन संका ने, और यहाँ पे डिकवेला को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, नंबर 5 पे बैटिंग करने आएंगे। आप इनको चाहो तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो ग्रैंड लीग में भी ट्राई मत करना, कोई बेनिफिट नहीं है उतना। इनको आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर सकते हो, इनको ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर सकते हो, इन दोनों को स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो। दोनों ही काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं और टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके अलावा कौन खेलेगा? यहाँ पे अकेला धनंजय हैं, ये खेलते हुए नजर आएंगे, या तो ये दो, मतलब दोनों मैच में इनको विकेट नहीं मिला, तो इनकी जगह पे जो खेल सकते हैं वो संदकन खेल सकते हैं, जो कि काफ़ी शानदार बॉलर है। तो ये अगर खेलते हो तो आप एक, मतलब एक चॉइस के तौर पे इनको ले सकते हो। बट इंग्लैंड की बैटिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी बॉलर उनके सामने हमें नहीं लगता कि वो चलेंगे। तो यहाँ पे उसको देखते हुए इनका आइडिया मेरे को ड्रॉप करना पड़ रहा है स्मॉल लीग के लिए। ग्रैंड लीग में आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। और इसके अलावा फर्नांडो लास्ट मैच खेले थे, एक विकेट इन्होंने लिया था। तो ये सभी ग्रैंड लीग की चॉइस है। वैसे अपने दिन पे कोई भी बॉलर जितना चाहे उतना विकेट ले सकता है। आपने लास्ट मैच में सोचा नहीं होगा कि इंग्लैंड के इतने सारे विकेट्स गिर जाएंगे, लेकिन इंग्लैंड की टीम के 5 विकेट गिर गए थे और बनाना कितना था? मात्र 112 रन बनाना था। तो फाइनली 4 प्लेयर हमने ले लिए हैं यहाँ पे, बस इनकी जगह पे आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन फिलहाल दोनों मैच में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है तो इनको लेके चलोगे तो सेफ रहोगे आप। इसके अलावा इन तीनों को अपनी टीम से आप नहीं हटा सकते, ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंग्लैंड की। देखो इंग्लैंड की तरफ से जॉस बटलर तो खेलेंगे नहीं, पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना है कि वेदर कंडीशन जो यहाँ की है, ड्रिजलिंग यहाँ पे होते हुए बीच बीच में दिखाई देगी आपको, तो यहाँ पे बूंदाबांदी बीच बीच में होगी, रुकावट आ सकती है, लेकिन मैच आपको पूरा देखने को मिलेगा। कुछ ओवर डिडक्ट भले ही हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन रेन जहाँ ज़्यादा होने के चांसेज होते हैं वहाँ थोड़े मैच रिस्की हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक अच्छा मैच आपको देखने को मिलेगा। जॉनी बेस्टो ओपनिंग करने आ रहे हैं, आप इनको लेना ही लेना है। पहले मैच की अगर मैं बात करूँ तो इनकी बैटिंग नीचे आई थी, लेकिन फिर भी उसमें उनको जो बैटिंग करने का मौका मिला था 13 रन बनाए थे, लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गए थे। ये विकेट कीपिंग कर रहे हैं, विकेट कीपिंग सैम बिलिंग्स भी कर सकते हैं, लेकिन हाई चांस है जॉनी बेस्टो ही करेंगे, लास्ट मैच में भी इन्होंने ही किया था। तो विकेट कीपिंग से भी ये पॉइंट देंगे तो इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। डेविड मलांग की बात करूँ तो ये T20 रैंकिंग में नंबर 1 पे आते हैं ICC, लेकिन अभी रिसेंटली T20 ब्लास्ट जो इन्होंने खेला, जिसको विटेलिटी ब्लास्ट कहते हैं, वहाँ भी ये फ्लॉप रहे, और लास्ट के कुछ मैचेज आप उठा के देखोगे इंटरनेशनल तो उसमें भी ये फ्लॉप रहे। इस सीरीज की बात करूँ 7 रन में 4 रन बनाए। इसको देखते हुए मैं इनको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि ये नंबर 3 पे आते हैं, बहुत बड़े बैट्समैन हैं, वो कभी भी अपनी फॉर्म को फिर से वो पा सकते हैं।
अब यहाँ पे अगर मॉर्गन की बात करूँ, अगर टीम की पहले बैटिंग आती है तो मॉर्गन को आप ट्राई कर सकते हो। सैम बिलिंग्स ने लास्ट मैच खेला, पहला खेले नहीं थे, 24 रन की इनिंग इन्होंने खेली, तो एक अच्छी टच में दिख रहे थे। इसके अलावा लिविंग स्टोन की बात करूँ तो इनको 2 से 3 ओवर बॉलिंग करने दिया जा सकता है, और इन्होंने 2 मैच खेले हैं, पहले मैच में 1 विकेट लिया, दूसरे मैच में विकेट नहीं मिला और 29 रन बनाए थे। इनकी बैटिंग की बात करूँ तो नंबर 5 से 6 पे इनकी बैटिंग आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि ओवर कितना बचा है। अगर ओवर कम बचा रहेगा तो इनको हार्ड हिटिंग के लिए प्रमोट किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सैम कुरान को लेकर के चलना है आपको, क्योंकि डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, पहले मैच में 2 विकेट लिया, दूसरे में 1 विकेट लिया और 16 रन बनाए। इंपॉर्टेंट आपके लिए है केवल एज ए बॉलर मान के चलना, बैटिंग से उम्मीद मत रखना कि बैटिंग आएगी इनकी। आदिल रफी जो कि हमारे लास्ट मैच में वाइस कैप्टन थे, किसी ने भी इनको वाइस कैप्टन नहीं बनाया था, आसानी से हमारे मेंबर्स ने विन किया, 2 विकेट 2 विकेट दोनों मैच में लिया है। क्रिस जॉर्डन की बात करो, डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ऐसी जगह पे खड़े रहते हैं जहाँ के इनको कैचेज भी मिलते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले मैच में 1 विकेट, दूसरे में 1 विकेट। मार्क वुड ने लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, और इनकी अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने लिया था 1 विकेट, लास्ट मैच में 2 विकेट, यानी टोटल 3 विकेट ले चुके हैं, तो आप इनको अपनी टीम में ले सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से मैंने ले लिया है। इस मैच में क्रिस वोक्स भी आ सकते हैं, किसकी जगह पे आएंगे ये नहीं कहा जा सकता है, किसी की भी जगह आ सकते हैं। टॉम कुरान भी है, ऑलरेडी सीरीज जीत चुकी है इंग्लैंड की टीम, तो रोटेशन पॉलिसी के तहत हो सकता है इन दोनों को खिलाया जा सकता है। अगर क्रिस वोक्स खेलते हैं तो आप उनको ज़रूर अपनी टीम में ले रहे हैं। टॉम कुरान खेलते हैं तो अगर जिस प्लेयर जो मैंने अभी अपनी टीम में लिया है, अगर इनमें से किसी की भी जगह पे, चारों में से किसी की जगह पे भी खेलते हैं, तो आप उनकी जगह पे जो खेल रहे हैं उन बॉलर्स को ले लेना है, क्योंकि बॉलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर इंग्लैंड की पहले बैटिंग आती है तो उस केस में आपको इंग्लैंड के बैट्समैन भी एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, क्योंकि इंग्लैंड हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पर हो सकता है अगर इंग्लैंड की पहले बैटिंग आती है। अब यहाँ पे बैटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसन रॉय को लेना है, पहले मैच में 36 बनाया, दूसरे में 17 बनाया। तीसरे प्लेयर की बात करूँ तो आपके पास चॉइस है, आप यहाँ पे डेविड मलान के साथ जा सकते हो, अगर आपको लगता है ये फ्लॉप होंगे एक बार फिर, तो इयान मॉर्गन के साथ जा सकते हो, आपको लगता है कि फ़्लॉप होंगे तो फिर आप यहाँ पे कुसाल मेंडिस के साथ जा सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पे अब इसका फर्नांडो के साथ जा सकते हो, इसके अलावा यहाँ पे लिविंग स्टोन के साथ जा सकते हो। 11वें प्लेयर के लिए इतनी सारी चॉइस है आपके पास, फिलहाल के लिए डेविड मलान के साथ मैं जा रहा हूँ जो कि नंबर 3 पे बैटिंग करने आते हैं। अब मैं आपको बता दूं किसकी जगह पे आ सकते हैं क्रिस वोक्स, डेविड विले की जगह पे आ सकते हैं, हाई चांस है। डेविड विले ने लास्ट मैच में विकेट नहीं लिया था, इनकी जगह पे आ सकते हैं, और क्रिस वोक्स आते हैं तो आपको एक काम करना होगा कि यहाँ पे आप अगर लगता है कि डेविड मलान फ्लॉप होंगे तो इनको हटा करके आप यहाँ पर किसी एक बैट्समैन को ले लेना इनकी तरफ से, और यहाँ से आप किसी एक इनको हटा करके आप डायरेक्टली क्रिस वोक्स को ले लेना, क्योंकि बॉलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के, कोई भी 2-3 विकेट ले सकता है। आपको ये नहीं पता है कि इनमें से कौन सा प्लेयर 2-3 विकेट लेगा, बट फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूँ क्रिस वोक्स की जगह पे मैं यहाँ पे लूँगा कुसाल परेरा को, एंड यहाँ पे मैं फर्नांडो को नहीं लेने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डेविड मलान को। इस तरीके से कुछ मेरी टीम रहेगी। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो जॉनी बेस्टो सबसे बेस्ट चॉइस है, ओपनिंग करने आते हैं, आपको पता ही है क्या कुछ कर सकते हैं कुछ ही ओवर के अंदर में। वाइस कैप्टन की चॉइस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हसरंगा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे। इसरो उदाना भी एक अच्छी चॉइस हो जाएंगे, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं। इसके अलावा जैसन रॉय ओपनिंग करने आते हैं, ये एक अच्छी चॉइस है, एंड इसके अलावा यहाँ पे आदिल रसीद जिन्होंने दोनों मैच में 2-2 विकेट लिया है, तो ये भी अच्छी चॉइस हो सकते हैं। इसके अलावा तो इंग्लैंड के किसी भी प्लेयर को आप वाइस कैप्टन बना सकते हो इनको छोड़ करके, सारे ही बॉलर इंपॉर्टेंट है वाइस कैप्टन के लिए। बहुत से लोग जॉर्डन को बनाएंगे, मार्क वुड को मत बनाना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये विकेट लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन एक जेन्युइन फास्ट बॉलर की जहाँ पे बात आती है तो इंग्लैंड की टीम में जितने भी फास्ट बॉलर खेल रहे हैं उसमें सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर का जब भी नाम आएगा तो मार्क वुड ही है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी पेस और लेंथ के साथ बॉलिंग कराते हैं, काफ़ी फास्ट बॉलिंग कराते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि डेल स्टेन है, डेल स्टेन की जब भी बात आती है तो एक जेन्युइन फास्ट बॉलर है, वो एकदम सही लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करते हैं, फास्ट भी बॉलिंग करते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला नहीं ये बात कि जो बहुत अच्छे बॉलर होते हैं उनको विकेट्स कई बार कम मिलते हैं, नहीं मिल पाते हैं, उनके ऊपर रन भी कम बनते हैं, कई बार ज़्यादा रन बन जाते हैं क्योंकि वो पेस पे ज़्यादा यकीन रखते हैं, तो ज़्यादा पेस मिलती है अगर किसी को तो वो ज़्यादा आसान होता है उनकी बॉल पर बैटिंग करना। तो इस तरीके का सिनेरियो है, मैंने आई होप कि सारी बातें आपको बता दी। अब ग्रैंड लीग की जहाँ तक मैं बात करूँ, ग्रैंड लीग में आप एक बात हमेशा से याद रखो कि कैप्टन आपको पहले से सेलेक्ट करके रखना है, आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर आज अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वो आप चूज कर लो। अगर आप 10 टीम के साथ जा रहे हो तो 5 से 6 टीम में कैप्टन वही रखो, वाइस कैप्टन अलग अलग आप कर सकते हो। और जो मैंने 11वें प्लेयर की आपको बात कही, कुसाल परेरा लेना है आपको, या तो आपको यहाँ पे दसुन संका को लेना है या तो चमीरा को लेना है, तो ये सब जो मैंने ऑप्शन दिए हैं वो अलग अलग टीम्स में
आप रोटेट कराओ, जो 5 टीम है वो तो सेम रखो आप, केवल कैप्टन सेम रखो, वाइस कैप्टन चेंज करते जाओ, और बाकी की जो टीम्स है उसमें 4-5 टीम जो आपने बनाई उसमें अलग अलग प्लेयर, एक एक प्लेयर को रोटेट कराओ। फिर उसके बाद अभी तो 20 टीम का ऑप्शन हो गया है, तो आप और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट उसमें कर सकते हो। ग्रैंड लीग के लिए मैंने कुछ प्लेयर आपको यहाँ पे बताए, जैसे कि यहाँ पे चमीरा है, स्मॉल लीग में भी अच्छी चॉइस है, ग्रैंड लीग में भी अच्छी चॉइस है। इसके अलावा अगर यहाँ पे लक्षण संदकन खेलते हैं तो ग्रैंड लीग की चॉइस है, आप इनको एक टीम में ले सकते हो। पूरी टीम मत चेंज किया करो ग्रैंड लीग में, ग्रैंड लीग में एक दो प्लेयर ही चेंज किया जाता है। अगर आप पूरी टीम चेंज कर दोगे तो आपको फिर रिग्रेट होगा कि ये वाली टीम तो हमारी अच्छी थी लेकिन बस इसमें ये वाले प्लेयर मैंने गलती की हटा करके, ये चीज़ हो जाती है। या तो कई बार रिग्रेट आपको ये होता है कि ये कैप्टन तो हमारा परफॉर्म किया, टीम भी परफॉर्म की, अगर वाइस कैप्टन और होता कोई तो हम आसानी से ग्रैंड लीग जीत जाते। तो इसका एक ही इलाज है कि आप कुछ चीज़ें सर्टेन रखो कि हमको 11 में से 6-7-8 प्लेयर सेम लेने हैं हर एक टीम में, केवल 2-3 प्लेयर में ही रोटेशन वाली पॉलिसी अपनाओ, या तो पूरी टीम आपकी फ्लॉप होगी या तो आप ग्रैंड लीग विन कर जाओगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी कर सकते हो आप, 10 टीम तक ये पॉलिसी आप अपनाओ, बाकी जो 10 और टीम आप बनाओगे उसमें आप फिर अलग अलग प्लेयर लेकर के अपने मन का आप जो भी कैप्टन वाइस कैप्टन सब कुछ जो भी आपको कॉम्बिनेशन बनाना है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाओ, लेकिन आपको पहले से 22 प्लेयर चूज करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जिस समय टॉस होने के बाद जो लाइनअप्स आती है उस समय अगर आप सोचोगे 20 टीम को एडिट कर लो तो आप नहीं कर पाओगे। फिर स्मॉल लीग में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी आप हार जाओगे, वो भी आपका गड़बड़ा जाएगा। तो यानी जिस मैच में ग्रैंड लीग खेलो उसमें स्मॉल लीग मत खेलो, जिसमें स्मॉल लीग खेलो उसमें ग्रैंड लीग मत खेलो। ये कुछ टिप्स मैंने आपको दी है और आप लोग इस चीज़ को फॉलो करो, आपको बेनिफिट इससे होगा। कमेंट करके बताना कि आपको हमारी टिप्स कैसी लगी। और मेंबरशिप की जहाँ तक बात है तो हमारा एकमात्र यही नंबर है 9140233474, ये नंबर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा और कोई भी हमारा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, कोई भी कॉलिंग नंबर नहीं है यूट्यूब के अलावा और टेलीग्राम के अलावा, और कहीं भी हमारा न तो कोई पेज हमारा है, इंस्टा पे भी पेज है, टेलीग्राम पे भी, टेलीग्राम के अलावा ट्विटर पे भी है, फेसबुक पे भी है, लेकिन हम लोग वहाँ पे एक्टिव नहीं है। तो आप वहाँ फॉलो करो या नहीं करो उससे अपने को अभी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ इन्फॉर्मेशन जब अपडेट होती ही नहीं तो आपको वहाँ फॉलो करके क्या बेनिफिट है। आप चाहो तो कर सकते हो, फ्यूचर में उसके बारे में भी हम लोग सोचेंगे, टाइम मिल नहीं पाता, जितना टाइम मिलता है उसमें आपके लिए अच्छा आउटपुट हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब आप मैसेज करोगे तो डेमो या ट्रायल टीम नहीं मिलती, इसमें सबसे बेस्ट पैकेज T20 ब्लास्ट है। इसके अलावा हमारे पास मंथली पैकेज है जिसमें कि T20 ब्लास्ट इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन T10 हुआ या तो ढाका T20 हुआ या तो अभी जो इंटरनेशनल मैच का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ या तो अभी जो एक विंडीज वाली सीरीज स्टार्ट हो रही है वो सारी चीज़ें उसमें कवर होंगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, आपका होस्ट चंद्र संकुरी साइनिंग आउट। बाय बाय।